तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए यहां बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र बनाने की तैयारी तेज कर दी है और इसको लेकर आम जनता के सुझाव मांगे गए हैं। लखनऊ में प्रदेश मुख्यालय से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इन गाड़ियों में लगी हुई सुझाव पेटिका के अंदर यहां आप देखिए आम जनता के सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे और इस दौरान हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी से खास बातचीत की है बीजेपी एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला से। क्या कुछ वो कह रहे हैं देखिए। विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ यात्रा का बीजेपी मुख्यालय से शुभारंभ किया गया है। हमारे साथ हैं खास बातचीत के लिए एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला जी। सर क्या कहेंगे, आज रथ यात्रा शुरू की गई है, क्या मकसद है इसका? भारतीय जनता पार्टी जन आकांक्षाओं के आधार पर अपना संकल्प बनाती है। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केंद्रीय कार्यालय से इस अभियान का शुभारंभ किया है। आज प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये रथ रवाना किए हैं। सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में ऐसे रथ हमारे जाएंगे। जनता जनार्दन के बीच में उनकी आकांक्षाओं को लेकर के जो उनके सुझाव आएंगे उसके आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव का हमारा संकल्प तैयार होगा, ताकि हम जनता के जो जन कल्याण के काम या जो शेष रहेंगे उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।